नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल ओन्हारी। आज मैं आप सभी के साथ एक नया लेक्चर शेयर करना जा रहा हूँ। इस लेक्चर का नाम है डिमांड या फिर आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज या फिर सप्लाई और इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं आउटफ्लो का मतलब होता है क्या होता है। ठीक है, आउटफ्लो का मतलब है बाहर जाना, इनफ्लो का मतलब है अंदर आना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिमांड और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज में, आखिर इसमें क्या पढ़ना है? तो देखो, जब आपकी कंट्री, योर कंट्री में, यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, योर कंट्री, आपकी कंट्री जब अपनी करेंसी को कोई और कंट्री को देती है, देन दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैंने क्या कहा, जब आपकी कंट्री अपनी करेंसी कोई और देशों में भेजती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वहीं पे सप्लाई और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? देखो, जब आपकी कंट्री कोई और कंट्री की करेंसी को अपनी कंट्री में लाती है, then this process is called as supply or inflow of foreign exchange। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे outflow का मतलब है बाहर जाना, तो आपकी country की currency बाहर जा रही है कोई और country में, और यहाँ inflow मतलब जब कोई और countries आपकी country में अपनी currency को लाती है। ये कोई भी वजह से हो सकता है, जब बाहर की country आपकी country में अपनी currency को लाती है, then this process is called as supply or inflow of foreign exchange। तो inflow का मतलब है आना, तो आपकी बाहर की country की currency जब आपकी country में आएगी, ठीक है, तो उसे हम सप्लाई और इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, और जब आपकी कंट्री की करेंसी बाहर की कंट्री में जाएगी तो आउटफ्लो और आएगी तो इनफ्लो। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है, मतलब यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ कुछ रीजन शेयर किया है। ये सारे कुछ रीजन्स है जो ये बताएंगे कि क्यों, ये कुछ रीजन्स है। जैसे मान लो अगर मैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ पे आपकी कंट्री करेंसी बाहर की कंट्री में क्यों जा सकती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप सभी के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो अभी मैं इसके बाद पढ़ाता हूँ। देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट का मतलब होता है बच्चों खरीदना, परचेज करना। तो जब आप कोई बाहर की कंट्री से, जब आप अपनी कंट्री में कुछ सामान खरीद के लाओगे, मतलब बाहर की कंट्री से आप कुछ खरीदोगे, तो आपकी कंट्री को क्या करना पड़ेगा, कुछ अपनी करेंसी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की कंट्री तो आपको फोकट में देगी नहीं, है ना, कुछ भी सामान, तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अपनी करेंसी बाहर की कंट्री में दोगे। तो सबसे पहला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप बाहर की कंट्री से सामान खरीदोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री की करेंसी बाहर की कंट्री में जाएगी। सेकेंड है सेंड गिफ्ट्स टू अ फॉरेन कंट्रीज। सपोज करना बच्चों, मान लो कि अगर आप गिफ्ट कोई और कंट्री को बाहर भेजोगे तो आपकी करेंसी भी बाहर जाएगी। मतलब जैसे सपोज करना कि बाहर के बच्चे, मान लो मुझे अमेरिका में क्या करना है, कुछ गिफ्ट भेजना है, तो मैंने क्या किया, ये जो जेम्स की है ना, 2 रुपीस वाली चॉकलेट, तो मैंने क्या किया, अपने इंडिया से मे बी मैं 2-2 रुपए बाहर की, मतलब ऐसे पैसे भी बाहर में भेज सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँगा, 2 रुपए की जेम्स खरीद खरीद के जितने भी अमेरिकन है उनके लिए क्या करूँगा, बाहर की कंट्री में भेज दूंगा गिफ्ट। तो मैं जब गिफ्ट भेजूंगा तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी कंट्री में तो खरीदा होगा ना। मतलब मान लो कि मुझे गिफ्ट देना है जेम्स, ठीक है, मुझे अमेरिका को गिफ्ट देना है, तो ये 2-2 रुपए का आते, तो मैं क्या करूँगा, इंडिया से 2 रुपए खरीद, इंडिया वाले लोग को 2 रुपए दूंगा, और ये सारी जेम्स की जितनी भी पैकेज है मैं ले लूंगा, और बाहर की कंट्री को ये मैं गिफ्ट कर दूंगा, अमेरिका को ये मैं गिफ्ट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं 2 रुपए की जो मैंने खरीदा, तो मेरा 2 रुपए का भी गया ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों, जब आप गिफ्ट भी देते हो तो आपकी कंट्री की करेंसी बाहर की कंट्री में जाती है। फॉर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज, देखो होता क्या है, देखो मान लो अगर आपको कोई और कंट्री में इन्वेस्ट करना है, देखो मान लो ये अमेरिका है, ये इंडिया है, मान लो ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ठीक है, आपको मान लो कि अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, तो आप अमेरिका वाले को बोलोगे, भाई अमेरिका अमेरिका आप एक काम करो, हमारी करेंसी ले लो और आप उसके बदले में अपनी डॉलर दे दो, तो हम आपकी कंट्री करेंसी से आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कंट्री की करेंसी बच्चों बाहर की कंट्री में जा रही है ना। तो फॉर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन करेंसी भी एक रीजन है, जिससे आपकी कंट्री की करेंसी कोई और कंट्री में जाती है। टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स, देखो जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, तो क्या होगा, सबसे पहले मान लो कि आप मान लो चाइना में चले गए, ठीक है, आप चाइना में चले गए, मान लो चाइना में आपने एक टैक्सी बुक किया, टैक्सी, अब चाइना वाला भैया यान ही लेगा ना, जो उनकी करेंसी का नाम क्या, यान है, ठीक है, तो चाइना वाले को अगर आप अपनी इंडियन की करेंसी दोगे वो लेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चाइना वाले को बोलना पड़ेगा, भाई चाइना ये लो हमारा रुपीज ले लो,
हमारा रुपीस ले, उसके पहले तुम यान दे दो, तो आपके पास यान आएगा, ठीक है। तो आप यान से इस टैक्सी वाले को दोगे, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ा है, अगर आप बाहरी कंट्री भी जाओगे तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी करेंसी देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री की करेंसी बाहर की कंट्री में जाएगी, है ना, जिससे वो अपनी करेंसी देगी और आप टूर भी कर पाओगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन टूर भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंट्री की करेंसी बाहर की कंट्री को देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक रीजन है। अब आते हैं कि बाहरी कंट्रीज की करेंसी आपकी कंट्री की आपकी कंट्री में कैसे आ सकती है। देखो सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जस्ट इम्पोर्ट का अपोजिट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों सेल करना। तो अब मुझे बताओ, आप जब कोई और कंट्री में सामान को बेचोगे तो उसके बदले बाहर की करेंसी क्या, बाहर की कंट्री क्या करेगी, अपनी करेंसी आपकी कंट्री में देगी, है ना। तो आपके पास क्या होगा, बाहर की कंट्री की करेंसी आपकी कंट्री में आएगी, ठीक है। पहला रीजन आ गया रिसिप्ट ऑफ गुड्स गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जैसे आपने गिफ्ट दिया उनको, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे थे, उसे अच्छा इनडायरेक्टली हमारी कंट्री का पैसा बाहर जा रहा था। तो जब बाहर की कंट्री हमें गिफ्ट भेजेगी, तो कहीं ना कहीं मान लो कि अमेरिका वाले ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, ये जो लैपटॉप, मतलब ये जो माउस है ना, ये माउस को क्या करते हैं, जैसे मान लो बच्चों ये लैपटॉप, हाँ सबसे बेस्ट है। तो अमेरिका ने बोला कि भाई ये जो हमारी हमारी कंट्री में ना पूरा मतलब कैलिफोर्निया में हमारा एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो काम करते हैं इंडिया वाले लोग को ना ये लैपटॉप ना गिफ्ट में दे देते हैं, ठीक है। तो अमेरिका वाले ने सोचा यार एक काम करते हैं, हम सामान ना गिफ्ट में कर देते। तो कहीं ना कहीं बच्चा आप देखोगे अमेरिका वाले को क्या करना पड़ेगा, पहले एप्पल की कंपनी को डॉलर से, मतलब एप्पल मतलब अमेरिका वाले को क्या करना पड़ेगा, अमेरिकन गवर्नमेंट को सबसे पहले उनको लैपटॉप चाहिए, तो पहले तो उन्हें एप्पल कंपनी से पैसे देके लेने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा दिया डॉलर और खरीदा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये लैपटॉप हमारी कंट्री में भेजेंगे एज अ गिफ्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, हमें गिफ्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आ गई, क्योंकि उन्होंने डॉलर ही खरीद के तो हमें गिफ्ट दिया है, या डायरेक्ट भी पैसा देते या फिर कोई सामान खरीद के देते, तो मतलब तो एक ही है, कहीं ना कहीं बाहर की कंट्री की भी करेंसी इस कारण से भी हमारी कंट्री में आ जाती है। फॉरेन इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। जैसे हम लोग ने क्या किया, हम लोग को जैसे पैसे चाहिए थे बाहर कंट्री को उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, वैसे अगर बाहर की कंट्री को हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा ना, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना करेंसी देना पड़ेगा, तब हम उन्हें अपनी करेंसी देंगे, ठीक है। तो तब जाके जैसे उन्हें अपनी हमारी करेंसी मिल जाएगी, तो वो हमारी करेंसी से इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले क्या किया, अपनी कंट्री की करेंसी हमें दिया, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि बाहरी कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आ सकता है। वेन फॉरेन टूरिस्ट केम टू होम कंट्री, ठीक है, जैसे बाहर के टूरिस्ट अगर हमारी कंट्री में आएंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे रुपीज़ को खरीदना पड़ेगा, और वो रुपीज़ तभी खरीद पाएंगे जब वो अपने डॉलर देंगे, तब हम उन्हें रुपीज़ देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि अमेरिका वाला आएगा इंडिया में और इंडिया के ड्राइवर को बोलेगा ले भाई तू डॉलर रख ले मेरी कंट्री का, तो क्या इंडिया वाला टैक्सी ड्राइवर लेगा, बोलेगा नहीं भाई हमारे यहाँ तो रुपीज चलता है, रुपीज़ दो नहीं तो भग जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका वाले को पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे रुपीज़ दे, मतलब हमारी कंट्री से रुपीज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डॉलर हमें बेचेंगे, उसके बदले में हम उन्हें अमेरिकन को रुपीज़ देंगे, और वो हमारी कंट्री में आएंगे रुपीज़ लेके, और रुपीज़ से वो क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये दो चीज़ें थी जो मैंने आप सभी का शेयर कर ली। अब बच्चों यहाँ पे ना अभी मैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। बच्चों इस टॉपिक का ना एक डायग्राम है, या फटाक से नोट कर लेना, पहले तो आप ये नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब बच्चों ये नोट कर लेना, देखो ये क्या है, इसका एक डायग्राम है। कभी कभी आपको बोलेगा कि डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का वो बता दो कि मतलब बेसिकली उसका डायग्राम बता दो, ठीक है। तो बच्चों इसका डिमांड क्या रहता है, ऐसे डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ऐसे डाउनवर्ड रहता है, ऐसा क्यों रहता है मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये अभी नोट कर लेना, मैं अभी आपको रीजन बताता हूँ। देखो आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ के रखा है कि जैसे ही आपने लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बारे में पढ़ के रखा है, राइट, डिमांड, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना, ऐसी है ना। जैसे मान लो कि अगर पहले ये 100 रुपए का एक माउस मिलता था, अब मान लो 50 रुपए का एक मिल रहा था, आप क्या बोलोगे, अरे यार अभी सस्ते में मिला फटाफट खरीदो। तो जैसे प्राइस कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे, डिमांड बढ़ा दोगे, लेकिन अगर प्राइस बढ़ेगी तो बोलोगे अरे यार ये माउस की अभी प्राइस बहुत ज्यादा है, इसको अगर नहीं खरीदते हैं तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे, ऐसी है, राइट। तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर बढ़ेगा तो आप क्या कर दोगे, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भैया बच्चों फॉरेन एक्सचेंज को ना मैं एफ ई लिख देता हूँ यहाँ शॉर्ट में, ठीक है। तो एफ ई मैं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे एफ ई लिख दो।
जैसे फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस बढ़ेगी तो वैसे आप डिमांड कर दोगे, वैसे ही उसकी अगर प्राइस कम होगी तो आप क्या कर दोगे, डिमांड कर दोगे। तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड कुछ इस तरीके से कर्व में बनता था, ठीक है। तो मैंने वैसे वही कर्व लिखा है लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है, जिसे आप इनवर्स रिलेशन कहते हैं या फिर नेगेटिव आपने पढ़ा होगा माइक्रो में, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसी वाली नीचे वाली डाउनवर्ड स्लोप बना दिया, ठीक है। और आपको क्या करना है, नोट कर लेना है यहाँ पे एक्सचेंज रेट, यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और एक चीज कर लेना यहाँ पे ना, यहाँ पे रुपीज 40 कर दो, क्योंकि मैंने पिछली लेक्चर में आपको रुपीज 50 और 70 की जगह क्या कर दो, रुपीज 60 कर दो, क्योंकि ये आपने पहले ही पढ़ के रखा है ना, तो सेम सेम डायग्राम हो जाएगा, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे एक्सचेंज रेट आएगा रुपीज पर डॉलर, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये 10, 20, 30 डॉलर, और ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में इन मिलियन डॉलर्स में, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये आपको एक डायग्राम मिल गया इसका, ठीक है, किसका, इसका डिमांड ऑफ फॉरेन इसका। अब यहाँ पे और एक है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। अब इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका एक डायग्राम है, इसका भी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, रीजन लिख देता हूँ। रीजन देखो बच्चा, आपने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ के रखा था कि जैसी प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन, आपने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ के रखा है, आपने ये पढ़ के रखा है जैसी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। और आपने पढ़ के रखा है लॉ ऑफ सप्लाई में कि सप्लाई कर्व इस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपवर्ड होता है, तो देखो मैंने भी अपवर्ड बनाया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता है प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे मैं फॉरेन एक्सचेंज लिख देता हूँ, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो जाएगा। इसका कर्व आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ के रखा होगा, इस तरीके से होता है, अपवर्ड जाता है। तो सेम चीज मैंने अपवर्ड बनाया है, एक्सचेंज रेट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मिलियन डॉलर्स, तो ये भी बच्चों नोट कर लेना, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको आज समझाया डिमांड, और ये भी आ जाता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और मैंने डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का डायग्राम बताया और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये कर लेना, क्योंकि इसके बाद एक डिटरमिनेशन ऑफ टॉपिक है, वो हम इजिली कर पाएंगे अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सब नोट कर लेना। तो बच्चों मैं चलता हूँ, अगली लेक्चर में मिलता हूँ, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।